हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। सात की लाशें बरामद, तीन का ताल्लुक गुजरात से है, दो की शनाख्त ताहाल ना हो सकी। फैजाबाद में तहरीक लब्बैक का धरना खत्म कराने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डेडलाइन खत्म। धरने के शुरका का अदालती हुक्म मानने से इनकार, एहसन इकबाल की इंतजामिया को ऑपरेशन 24 घंटे के लिए मौखर करने की हिदायत। उल्मा से धरना खत्म कराने के लिए किरदार अदा करने की अपील। राजा जफरुल हक का भी धरने के रहनुमाओं से टेलीफोन पर राब्ता। फैजाबाद में धरने के मुकाम पर लाठियों और आंसू गैस से लैस पुलिस और एफसीएल कार 5000 की तादाद में पहुंच चुके। बख्तरबंद गाड़ियां और एम्बुलेंसेज भी मौजूद, अस्पतालों में इमरजेंसी नाम। धरने के बाद रावलपिंडी इस्लामाबाद के बासी 11वें रोज भी शदीद मुश्किलात का शिकार। I-8 के रिहायशियों को घरों के अंदर रहने की हिदायत। फैजाबाद अड्डे पर तमाम दफातर बंद करा दिए गए। महकमा इत्तलात सिंध में करप्शन का मुकदमा, शर्जील मेमन और दीगर को नैब कोर्ट पहुंचा दिया गया। फर्द जुर्म और रेफरेंस कलदम करार देने की दरखास्तों पर फैसला सुनाए जाने का इम्कान। लबनान के मुस्ताफी वजीर आजम साद हरेरी सऊदी अरब से पेरिस चले गए, कहते हैं साबित हो गया कि सऊदी अरब में जेरे हिरासत नहीं था। जर्मन सफीर के बयान पर सऊदी अरब का एहतजाज, बर्लिन से सफीर को वापस बुला लिया। जर्मन वजीर खारजा ने इल्जाम आयद किया था कि सऊदी अरब ने साद हरेरी को रियाद में रोका रखा है।